हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इश्कबाज सीरियल में ओमकारा का किरदार निभाने वाले एक्टर की लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उनका रियल नेम है कुणाल जयसिंह। उनका निकनेम है कुंज। 29 जुलाई 1989 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। उनका हाइट है 5 फीट 8 इंच और उनका वेट है 73 केजी। उनका जोडाइक साइन है लियो। साल 2020 में उनका रियल एज है 31। उन्होंने मुंबई की जेएमएल स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। इसके बाद उन्होंने मुंबई की एचआर कॉलेज से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है। प्रोफेशन की बात करें तो वो एक एक्टर और मॉडल है। स्टार प्लस की शो मन की आवाज प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना डेब्यूट दिया था। इसके बाद वो वी चैनल की शो द बड़ी प्रोजेक्ट में रणवीर शेरगिल के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद कुणाल एक के बाद एक सीरियल में काम करते हुए नजर आए, जैसे कि प्यार तूने क्या किया, सावधान इंडिया, ये है आशिकी और ट्विस्ट वाला लव। साल 2016 में स्टार प्लस की शो इश्कबाज में वो ओमकारा सिंह ओबेरॉय के किरदार में नजर आए थे। इस किरदार को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। साल 2019 में सिलसिले बदलते रिश्तों का सीरियल में कुणाल को लीड रोल में देखने को मिला था। अभी वो कलर्स टीवी की सीरियल पवित्र भाग्या में रियांश खुराना का किरदार निभा रहे हैं। अवार्ड्स की बात करें तो इश्कबाज सीरियल में उनके एक्टिंग को देखकर उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल की कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड्स और इंडियन टेली अवार्ड्स दिया गया है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2018 में कुणाल ने एक्ट्रेस भारती कुमार से शादी की है। शादी करने से पहले दोनों ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया था। उनकी सैलरी की बात करें तो पार्ट एपिसोड के लिए वो 70,000 रुपीज लेते हैं। उनका नेट वर्थ है 25 करोड़। उनके पास ऑडी Q3 मॉडल की कार है जिसका कीमत है 43,16,000 रुपीज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।